प्रोफेसर कुमार मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह से ये बात हो रही है, आज कश्मीर में थे अमित शाह और उन्होंने बोला भी मैक्सिमम टेररिज्म से मैक्सिमम टूरिज्म। अब सीधी बात यह है कि वहां अभी राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा और कश्मीर में तो अभी हमें पता है तारीखों को ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद विभाजनकारी बांटने वाली राजनीति का आरोप बार बार जो लगाया जाता है वो बीजेपी पर लगाया जा रहा है। देखिए ना तो ये लोग कश्मीर के इतिहास पे नजर डालते हैं, जिस जमाने में इन्हीं के प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू जी, और कश्मीर के अंदर जब एक सफाई करने वालों की स्ट्राइक हो गई थी तो गुरदासपुर से इन्होंने 200 मजबी दलित परिवारों को कश्मीर भेजा था ये कहकर के कि उनको वहाँ की नागरिकता मिलेगी, और ये जरा उनको जो फरमान दिए गए थे कश्मीर सरकार की तरफ से उन्हें पढ़ कर के देख लिए, उसमें नीचे क्या लिखा था कि ताजिंदगी इनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो यही काम करेंगी कश्मीर के अंदर, उर्दू में दिए गए थे उनको। अब जाके 370 हटने के बाद में वो परिवार जिनकी संख्या 5000 बढ़ चुकी थी उनको जाके आज़ादी मिली है इस काम से, ये इस पर ध्यान नहीं देंगे कभी भी। यूपी की ये बात कर रहे हैं, आज एक बड़ी मज़ेदार बात ये हो गई है कि हर अपराधी ये जानता है कि वो कोई भी अपराध कर दे उसकी जाति के जो राजनीतिक नेता हैं वो उसको बचाने के लिए पहले से वहां पे तैयार खड़े हुए हैं कि कोई अपराधी का एनकाउंटर हुआ नहीं, किसी ने अपराध किया नहीं, इनकी जातिगत नेतागिरी करने वाले ये वहां पे सारे के सारे मौजूद हैं। मैं आज एक बात कहता हूं इनसे, ये लोग जातिगत जनसंख्या की बात कर रहे हैं ना, तो एक काम करा जाए, 1971 को बेस ईयर मान लीजिए और इन 1971 से एक जातिगत जनसंख्या जो है वो अपराधियों की करा दीजिए कि कितने अपराधी हुए, उनकी जाति क्या थी, कितने जो हैं बेल पे आए उनकी जाति क्या थी, कितने को सजा हुई उनकी जाति क्या थी, कितने जेल के अंदर बंद हैं उनकी जाति क्या थी। इस तरीके से 10 सवाल में बताता हूं, जरा वो जाति गणना ये करवा दे उठा करके। और फिर जाति का इस्तेमाल, मुझे एक बात बताइए, ये गांधी कौन सी जाति है भाई, समझे, जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। और अगर गांधी ये महात्मा गांधी के नाम को इस्तेमाल करते हैं तो कहे ना कि इनकी जाति वो है, जाति पूछने में नाराज क्यों हो जाते हैं। एक पारसी नाम को गांधी, फिरोज गांधी के, उसको उठा के भारत की जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि ये गांधी परिवार से है, कि ये गांधी है लेकर के। देखिए अंग्रेजों ने 1861 और 1871 में क्या किया था, हमारे कई जो परंपरागत जिसे आप कहेंगे प्रोफेशनल कम्युनिटीज थी, जुलाहे तेली माली, अगर इस तरीके के परंपरागत जो काम करने वाले थे तो बता दीजिए, उनको इन लोगों ने एक रात में अंग्रेजों ने सेंसर के अंदर लो कास्ट बना दिया था, नीची जाति बना दिया था। लेकिन ये इतिहास नहीं पढ़ेंगे ये। मैं एक बार जरा अजीज खान साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं। वरुण पुरोहित जी भी जुड़ गए। वरुण जी, मैं पहले आपके पास आ जाती हूं क्योंकि अजीज खान जी का ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है बार बार। मैं वरुण जी आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए, हम आज पूछ रहे हैं कि ये जिस तरह से जाति पूछी जा रही है एनकाउंटर पर, जिस तरह से कश्मीर में बाहरी वाली बात कही जा रही है, ये विभाजनकारी नहीं है, विभाजनकारी है सिर्फ आज की सरकार, उसी को लेकर बार बार हमला किया जा रहा है कि ये बांटने वाली राजनीति करते हैं। वरुण जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है वरुण जी को भी आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब टुडे। मैं एक बार जरा वापस अजीज खान साहब के पास जाना चाह रही हूं। अजीज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे बहुत खेद के साथ बोलना पड़ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जिस तरह से आवाज आ रही है, जी बोलिए प्लीज, आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज, बोलिए, मुझे आवाज आ रही है सुचिता जी, जी बोलिए, सवाल करिए।
मुझे लगता है कि मैं बार बार वही सवाल दोहरा रही हूं, लेकिन हैरानी ये होती है कि आज अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं, विभाजनकारी राजनीति की बात करते हैं। सर, इस देश में इससे बहुत बड़ा एक थ्रेट है। हम बार बार कहते हैं कि बांटने वाली राजनीति का अंत होना चाहिए। मुझे पता आपके नेता भी यही कहते हैं, रोहन जी के नेता भी वही कहते हैं, लेकिन इसका अंत कोई करना नहीं चाहता है क्योंकि उनको सूट नहीं करता है। देखिए सुचरिता जी, आपने लगातार देखा होगा पिछले 10 साल से इस देश की राजनीति में एक अचूक परिवर्तन आया है। और क्या हुआ है कि यहां पर एक नफरत की बात हो रही है। भाई को भाई से जुदा करो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करो। ये कहीं ना कहीं ये चलन बढ़ा है। ये चलन कैसे आया? केवल वोट की राजनीति के लिए आज इस देश के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वोट कैसे हासिल किया जाए उसके तमाम तरीके निकाले जा रहे हैं। आपने भी इनकाउंटर पर सवाल किया कि साहब हमारे नेता ने इनकाउंटर की बात की, बिल्कुल गलत नहीं किया। आज जाति देख करके मैं देख रहा हूं इनकाउंटर हो रहे हैं, हुए हैं, इतिहास गवाह है। आप देखिए जब से सरकार आई है बीजेपी की, आपने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बार बार नोटिस दिया। आप देखिए 8,000 से ज्यादा इनकाउंटर पिछले साल हो गए थे जो कि फर्जी रहे, बाकायदे डाटा है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए और उसमें जाति की बात, मैं जाति बता रहा हूं। फर्जी इनकाउंटर पर सवाल खड़ा हुआ आपके आजमगढ़ के थे मुकेश राजभर, आजमगढ़ के थे रामजी पासी, फर्जी इनकाउंटर हुआ। सुमित गुर्जर का मामला कितना चर्चा में रहा, किस तरह इनकाउंटर चर्चा में रहा। अलीगढ़ में किस तरह मुंह से आवाज निकाल करके धाय धाय करके किस तरह इनकाउंटर को तरजीह दिया गया। सवाल इस बात का है जब आप वो काम कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा। आप आज कहीं ना कहीं जातीय मानसिकता को आप बढ़ावा दे रहे हैं। विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुखिया जो संविधान की जिसने कसम खाई है, तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं घटना में, उसमें केवल दो नाम ले रहे हैं। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? इससे इंडिकेट हो रहा है कि आप जातीय राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको इस प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे तमाम अपराधी घटनाएं हो रही हैं। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई, एम्बुलेंस में एक महिला, आप समझिए जो उसके पति बीमार थे, किस तरह वो साथ में रही, किसके उसके साथ क्या क्या घटनाएं करने का प्रयास किया गया, कितने किलोमीटर तक वो एम्बुलेंस चलती रही। हकीकत ये सुचेता जी, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो जातिगत राजनीति है उस जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा? एक बार अवधेश जी के पास जाइए। अवधेश जी, रोहन गुप्ता जी को भी लीजिए स्क्रीन पर, अवधेश जी को स्क्रीन पर लीजिए। अवधेश जी, ये मैंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आज जिस तरह से बयान आया अखिलेश जी का, और अखिलेश जी का इस बयान ये तब आया है जब एक एनकाउंटर यूपी में हुआ, और उस यूपी के एनकाउंटर पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे, और आज ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश में आने वाले समय में चुनाव हैं। उन चुनावों से देखकर उन्होंने एक सीधे सीधे दावा किया है कि हमारा अलायंस जीतेगा क्योंकि हमारा अलायंस विभाजनकारी राजनीति नहीं करता है, सांप्रदायिक राजनीति नहीं करता है। अवधेश नहीं, पहली बात तो यह है कि आज अखिलेश यादव ने जिस इनकाउंटर पर सवाल आया वो तो डराने वाला है। एक वेटरन क्रिमिनल, एक डकैत जिस पर 12 मुकदमे हैं, 1,00,000 का इनामी बदमाश है, उसको आप एक कास्ट के नाम पर जाके उसको ग्लोरीफाई, उसका महिमा मंडन करते हैं और कह रहे हैं कि हम समाज को बांटते नहीं है, केवल यह दिखाने के लिए कि पुलिस जो है चूंकि यादव था इसलिए मार दिया है। उसने सराफा 1.5 करोड़ से ज्यादा की वो लूट है, वहां वो डकैती डाली गई है, 1,00,000 का उस पर इनाम है, और उसको आप जाके महिमा मंडन कर रहे हैं। पहले एक आंकड़ा दे देता हूं फिर आगे का जवाब देता हूं। जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं, पता नहीं कहां से आंकड़ा आया है, 22 मार्च 2022 से 30 मई 2024 तक 12,509 पुलिस मुठभेड़ हुए हैं जिनमें 201 अपराधी मारे गए हैं, लेकिन ध्यान रखिए 26,280 उसमें अरेस्ट हुए हैं और 6,639 जो है गोली लगने से घायल हुए हैं। तो आप सोचो अगर सबको मारना होता तो 210 की मृत्यु है, लेकिन 6,639 इसमें जो है घायल हैं और 26,280 अरेस्ट हैं। इसलिए जो आंकड़े बिना देखे हुए कोई चीज उठाई जाती है,
कि पुलिस और जितने भी मुठभेड़ होते हैं सबकी मजिस्ट्रेट जांच होती है, मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग को जाती है, एक एक, 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 एक परंपरा बना हुआ है। ये जाति के और संप्रदाय की राजनीति इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस घृणित और खतरनाक तरीके से कर रही है, जो देश के लिए चिंता का विषय है कि अगर कोई बलात्कार का आरोपी मुसलमान है तो उसको पार्टी से सस्पेंड तक नहीं करना है, बाकी तो छोड़ दो। और उसकी डीएनए निकल जाती है, जब डीएनए निकल जाती है तो आप चुप्पी साध रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अखिलेश मैंने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स तो समझ में आती है, इस समय अल्ट्रा लेफ्टिस्ट अल्ट्रा सोशलिस्ट उनके इर्द गिर्द भरे हुए हैं, वो पत्रकार से भी जाति पूछेंगे, डांट के जाति पूछेंगे, लोग उन पर हमले कर देते हैं, हर जगह पिछड़े अल्पसंख्यक बोलना है। अखिलेश यादव की पार्टी की पॉलिटिक्स इतना खतरनाक नहीं था जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका क्रिमिनल हो जाए, बलात्कारी हो जाए, उसको जाति देख करके उसको इशू बनाना, भेजना मुख्तार अंसारी के यहाँ। मुख्तार अंसारी अगर मुसलमान नहीं होते तो क्या अखिलेश यादव और बाकी का इस प्रकार का बयान आता? अब मैं एक बार तो सांप्रदाय और जाति की राजनीति इस खतरनाक स्तर पर कौन कर रहा है?